अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। आज हम अपने जो चैप्टर नंबर 4 है, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, दैट इज फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। फर्स्ट वन इज 10 न्यूटन अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास फोर्स आ रही है वो आ रही है 10 न्यूटन, और 6 न्यूटन इज अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ 6 न्यूटन आ रही है, और 4 न्यूटन अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि ये वाली फोर्स जो है इसके साथ हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रही है नेगेटिव में, ठीक है। इसके साथ क्या आ रहा है, माइनस, ये माइनस में ये फोर्स। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, फोर्स एफ ऑफ एक्स के लॉन्ग क्या आ जाएगी, अब एक फोर्स हमारे पास पॉजिटिव में आ रही है एक्स एक्सिस पे, एक नेगेटिव में आ रही है, तो हम क्या कर देंगे, 10 माइनस 4, तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी लॉन्ग एक्स एक्सिस 6 न्यूटन, और फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस क्या आ रही थी, वो भी हमारे पास थी 6 न्यूटन, ये 6 न्यूटन है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फाइंड, हमने क्या करनी थी, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर, या फोर्स के कंपोनेंट्स एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम इस फोर्स को, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको फाइंड कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को, नॉट देयर डायरेक्शन। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, डेट इज 6, एफ ऑफ वाई भी हमारे पास क्या आई 6, इनका स्क्वायर लेंगे, फिर हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास 72 आएगा, उसका अंडर रूट ले लेंगे, और दैट इज फोर्स विल बी 8.5 न्यूटन। अब हमने फाइंड करना है डायरेक्शन, दैट इज थ्रू थीटा, ठीक है, कि मतलब ये फोर्स किस एक्सिस पे लाइक आ रही है। तो यहाँ पर हम थीटा ले लेते हैं, दैट इज इक्वल बाय टू टैन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम एंगल फाइंड कर लेंगे, फोर्स हमें पता है एफ ऑफ एक्स और वाई की, दैट इज 6 6, ठीक है, कंपोनेंट्स की फोर्स, और 6 बाय 6 हो जाएगा 1, और टैन इनवर्स ऑफ 1 अगर हम कैलकुलेटर से फाइंड करें तो ये थीटा क्या आ जाएगा, दैट इज 45, ठीक है। तो एंगल हमारे पास क्या आ रहा है, 45, दैट इज अलोंग विद एक्स एक्सिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस, यानी एक फोर्स है वो क्या, उसका मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन और वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 30, और फाइंड हमने करने हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स को फाइंड करने के लिए अब हमारे पास फोर्स एंड थीटा गिवन है, तो हमने कंपोनेंट जो रिजॉल्व किए थे उस इक्वेशन के मुताबिक, फोर्स एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होती है, एज इक्वल टू एफ ऑफ कॉस थीटा, और एफ ऑफ वाई किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ साइन थीटा। हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे जो हमें गिवन है। तो फोर्स की, फोर्स का हमारे पास क्या वैल्यू है, दैट इज 50 न्यूटन आ जाएगा, और थीटा की जगह हम 30 पुट कर देंगे, तो कॉस 30 को हम फाइंड कर देंगे, वो आ जाएगा 0.866। जब हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 43.3 न्यूटन। सिमिलरली हमारे पास एफ ऑफ वाई है इज इक्वल टू एफ ऑफ साइन थीटा, इसमें भी हम फोर्स और थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे, साइन 30 0.5 जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ वाई क्या आ जाएगा, डेट इज 25 न्यूटन। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। तो हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है फोर्स की, ठीक है। अगर हमारे पास जो है, जो एक्स कंपोनेंट की है वो फोर्स, वो क्या आ रही है 12 न्यूटन, और वाई कंपोनेंट की 5 न्यूटन, यानी अब इन्होंने हमें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दे दी है, ठीक है, कंपोनेंट्स की फोर्स दे दी है, एक्स कंपोनेंट मीन एफ ऑफ एक्स, वाई कंपोनेंट मीन एफ ऑफ वाई, और फाइंड हमने करना है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और उसकी डायरेक्शन, यानी कि थीटा, यानी एफ फाइंड करना है और थीटा फाइंड करना है। सिंपल हम इस फार्मूला को यूज करेंगे इन केस जिसमें हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालनी है, ठीक है, ये क्या आ जाता है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर और एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। सिंपल हमने एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यूज को पुट किया, हमने इनका स्क्वायर लिया, ठीक है, और इन दोनों का स्क्वायर लिया, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये आ जाता है 144 प्लस 25, देन हमने अंडर रूट लिया और फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, 13 न्यूटन। नेक्स्ट इज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वो क्या होता है, थीटा।
तो थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ आई बाय एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, एफ ऑफ वाई हमारे पास है 12, एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ वाई, ठीक है, या एफ ऑफ एक्स 12 है और एफ ऑफ वाई क्या 5 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 12 बाय 5 टेन इनवर्स। अब इनको हम डिवाइड कर लेंगे, 2.4 आ जाएगा, और टेन इनवर्स ऑफ 2.4 जो है वो हमारे पास आ जाता है 22.6, ठीक है। और ये किसके लॉन्ग आएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर, यानी एक स्पैनर है, ठीक है, उस पर आप परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, यानी मोमेंट आर्म क्या आ रही है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स, तो देखिए परपेंडिकुलर फोर्स है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो फाइंड हमने क्या करना है, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, इज इक्वल बाय टू एफ क्रॉस एल। फोर्स हमारी क्या गिवन है, 100 न्यूटन है, और डिस्टेंस जो है यानी जो मोमेंट आर्म है जो इसका स्पैनर का जो वो क्या आ रहा है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर लेंथ की एल, लेंथ ऑफ दैट स्पैनर। तो ये आ जाएगा जी 10 सेंटीमीटर, और फोर्स क्या आ रही है न्यूटन में, तो हमारे पास टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, तो ये सेंटीमीटर में, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। तो टॉर्क के फार्मूला में हम फोर्स और लेंथ की वैल्यूज को पुट करेंगे, 100 × 0.1 = 10 न्यूटन मीटर। और नेक्स्ट हमारे को प्रॉब्लम इज 4.5, फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा 30 डिग्री, ठीक है। एंगल हमारे पास क्या आ रहा है, 30 डिग्री, विद द हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल कम्पोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन, यानी कि इसमें अब ऐसे है कि फोर्स एक्ट हो रही है बॉडी पे जो कि थीटा की वैल्यू तो उन्होंने बता दी, दैट इज 30 डिग्री, लेकिन वो क्या है, हॉरिजेंटल फोर्स है, यानी वो है एफ ऑफ एक्स है, यानी इसमें जो फोर्स उन्होंने हमें दी है वो एक हॉरिजेंटल फोर्स है, यानी उसको हम एफ ऑफ एक्स लेंगे। फाइंड द फोर्स, यानी कि हमें कौन सी फाइंड फोर्स करनी है, कि जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है वो हमने फाइंड करनी है फ्रॉम दैट हॉरिजेंटल फोर्स जो कि थीटा जो है 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब इसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन हुआ है और थीटा गिवन है, तो इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल बाय टू एफ ऑफ कॉस थीटा, जो इसमें हम फोर्स को कंपोनेंट्स पर रिजॉल्व करते थे, ठीक है। इस फार्मूला को यूज करके हम जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी, अगर मैं इस एफ ऑफ एक्स की जगह 20 न्यूटन पुट करूंगी और फोर्स हमने फाइंड करनी है और थीटा आ रहा है 30, ठीक है, 30 कॉस ऑफ 30 0.866, और 20 न्यूटन के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी, दैट इज 23.09 न्यूटन। तो ये फोर्स की वैल्यू है। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज द स्टेयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन, यानी इसमें हमें टॉर्क जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, जो कपल प्रोड्यूस कर रहा है वो टॉर्क हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, और फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 50 न्यूटन। और फिर स्टेयरिंग के बारे में है कि स्टेयरिंग जो है वो उसका रेडियस जो है वो क्या है, 17 सेंटीमीटर, एक स्टेयरिंग है जिसका रेडियस 16 सेंटीमीटर है, और उससे हमने क्या फाइंड करना है, कपल टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है, और डिफरेंट हमें उन्होंने लेंथ दे दी है और फोर्स दे दी है, तो हम क्या करेंगे, टॉर्क के फार्मूले के मुताबिक क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल बाय टू एफ क्रॉस एल, ठीक है, यानी फोर्स तो हमें गिवन है, हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। अब लेंथ के लिए हमें रेडियस दे दी है, उन्होंने कपल आर्म पूरी नहीं बताई, तो पहले हम क्या करेंगे, रेडियस की जो लेंथ है वो है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, उसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर्स, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, हमारे पास आ जाएगा रेडियस, ठीक है, और वो जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, कपल आर्म के इक्वल है, ठीक हो गया। तो अब हम इसमें सिंपल जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, रेडियस देखें, अब ये चीज है ना, ऐसे स्टेयरिंग है, ये स्टेयरिंग है, तो हमें सिर्फ इतनी सी लेंथ गिवन है, ठीक है। अब स्टेयरिंग के तो दोनों साइड पे फोर्स लग रही है, इधर भी लग रही है और इधर भी लग रही है, ठीक है, यहाँ पे भी लग रही है, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स है, यहाँ पे अपवर्ड फोर्स है,
ठीक है, तो हमें सिर्फ इतनी वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.16। तो हम क्या करेंगे, पूरे मोमेंट आर्म फाइंड करने के लिए यानी यहां से यहां तक हम 0.16 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। ठीक है, इधर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.16 मीटर्स। तो अब हमारे पास क्या टार्क आ जाता है, टार्क इज इक्वल बाय टू एफ क्रॉस एल फोर्स, हमारे पास 50 न्यूटन गिवन है और लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 इंटू 0.16 ये वाली। ठीक है, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर्स। नेक्स्ट इज अब 4.7 मार्क का प्रॉब्लम इज, अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय द टू वर्टिकल स्ट्रिंग एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। यानी कि हमारे पास जो टेंशन आ रही है स्ट्रिंग में, वो क्या आ रही है, T1 एंड T2, दैट इज 3.8 एंड 4.4 न्यूटन। तो ये हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग है ऑफ दैट फ्रेम दैट इज हैंगिंग फ्रॉम सम वॉल। ठीक है, तो फाइंड हमने क्या करना है, वेट। अब टेंशन तो हमें गिवन है, हमने वेट फाइंड आउट करना है। वेट के लिए हम यूज करेंगे व्हेन द पिक्चर इज इन इक्विलिब्रियम देन। अच्छा, अब पिक्चर जो है वो उन्होंने क्या कहा है कि इक्विलिब्रियम में, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो इक्विलिब्रियम में हमने क्या स्टडी किया था, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं फोर्स के, वो क्या होते हैं, सम ऑफ ऑल दैट फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो अब फोर्स कौन सी है, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, जो टेंशन है ना, टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो हम इस फोर्स को क्या ले लेते हैं, इज इक्वल टू टेंशन माइनस वेट। दो फोर्सेज एक्ट हो रही है ना, एक तो वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है और एक टेंशन है स्ट्रिंग में जो अपवर्ड एक्ट हो रही है। तो टी माइनस डब्ल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो फिर जब दो फोर्सेज एक दूसरे को मतलब ऑपोजिटली वो एक दूसरे को कंट्रोल कर रही है, तो ही इक्विलिब्रियम स्टैंड करता है। ठीक है, तो टेंशन में से हमारे पास दो टेंशन है, T1 एंड T2, तो हम इन दोनों को एड अप कर लेंगे, माइनस वेट इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो माइनस डब्ल्यू इक्वेशन उसके उस साइड पे जाके पॉजिटिव में हो जाएगा। अब हम इन दोनों टेंशन को, T1 और T2 को की वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो ऊपर हमें डेटा में गिवन है, दैट इज 3.8 प्लस 4.4। तो ये जब एड हो जाएंगी, हमारे पास वेट के इक्वल आ जाएगा, और वेट क्या है, 8.2 न्यूटन्स। और नेक्स्ट मेरा प्रॉब्लम 4.8 इज दैट देर आर द टू ब्लॉक्स ऑफ मैसेस 5 केजी एंड 3 केजी आर सस्पेंडेड बाय द टू स्ट्रिंग एज शोन, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। यानी दो हमारे पास ब्लॉक्स हैं, एक 5 केजी के और 3 केजी के। ठीक है, उनको हमने दो स्ट्रिंग्स के साथ हैंग किया है और ये कुछ इस तरह से अटैच है। हमने इन दोनों स्ट्रिंग की टेंशन को फाइंड आउट करना है। तो मास ऑफ द लार्ज ब्लॉक जो है वो क्या आ रहा है, 5 केजी, और स्मॉल ब्लॉक आ रहा है 3 केजी। ठीक है, द टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग इज, सबसे पहले हम T1 फाइंड करेंगे और फिर हम T2 फाइंड करेंगे, यानी इस स्ट्रिंग की टेंशन को और फिर इस स्ट्रिंग की टेंशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो T1 के लिए हमारे पास टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग क्या होगी, ये वाली जो टेंशन आ रही है, ये किसके इक्वल होगी, इन दोनों के वेट को ऐड करेंगे, टेन के W1 और W2। ठीक है, और वेट 1 और वेट 2 क्या आ जाएगा, कैपिटल, इधर हम लिखेंगे जी वेट 1 की जगह कैपिटल M, ठीक है, इंटू जी। बेसिकली W इज इक्वल बाय टू एम जी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हम फर्स्ट वेट के लिए कैपिटल M ले लेंगे और सेकेंड वेट के लिए स्मॉल M। ठीक है, तो ये आ जाएगा Mg प्लस Mg। अब इसमें जो हमारे पास जी है इसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सिंपल। अब इसमें वैल्यूज को पुट करें, तो पहले ब्लॉक जो बड़ा ब्लॉक है 5 वाला, उसका आ जाएगा 5 और स्मॉल के एम के लिए स्मॉल, तो 3 प्लस 5 आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि होती है 10। तो 5 में 3 को ऐड किया 8 आ गया, 8 को हम इस 10 से मल्टीप्लाई किया, तो टेंशन जो फर्स्ट रिंग में आ गई वो आ गई 80 न्यूटन्स। ठीक है, और जो सेकंड है इसकी क्या आ रही है हमारे पास टेंशन, T2 इज इक्वल टू Mg। ठीक है, अब जो देखें, जो हमारे पास जो फर्स्ट रिंग है ना, इस पे दो वेट है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग पे दो वेट की टेंशन है, लेकिन जो सेकंड स्ट्रिंग है ये वाली है जो, इस पे सिर्फ एक ही वेट है। तो इस पे क्या आएगा, इज इक्वल टू T2 इज इक्वल बाय टू Mg, यानी स्मॉल Mg, यानी कि सिर्फ इसका वेट। ठीक है, तो ये आ जाएगा Mg, और इसमें हम 3 पुट करेंगे स्मॉल M की वैल्यू, और जी आ जाएगी स्टैंडर्ड जो जी की वैल्यू। ठीक है, तो T2 आ जाएगा इज इक्वल टू 30 न्यूटन्स।
Our next medical problem is 4.9. 4.9 is a nut has been tightened by a force of 200 newton using 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, यानी हम एक नट को टाइट कर रहे हैं स्पैनर से जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो है 200 न्यूटन. देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट वन विद 50 न्यूटन फोर्स, यानी अगर हम उसी नट को सेम किसी स्पैनर से लूज करते हैं जिसकी लेंथ हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है, और उसकी फोर्स हमें पता है जो है 150 न्यूटन. तो फोर्स को फोर्स हमें F1 हम फर्स्ट फोर्स को F1 से डोनेट करेंगे, ठीक है, 200 न्यूटन. सेकंड जो हमारे पास फर्स्ट लेंथ जो गिवन है वो क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइडिंग बाय 100. अब हमारे पास लेंथ ऑफ द स्पैनर दैट इज यूज टू लूजन, तो लेंथ वो हमने फाइंड आउट करनी है और फोर्स टू आर या 150 न्यूटन. तो इसमें अब दो हमारे पास टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, एक टार्क वन है और एक टार्क टू है. तो ये हमारे पास टार्क वन जो है उसको हम इक्वल कर देते हैं टार्क टू के और यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे अपनी सेकेंड लेंथ, ठीक है. तो टार्क किसके इक्वल होता है, इज इक्वल बाय टू फोर्स क्रॉस मोमेंट आर्म, ठीक है, ये F1 क्रॉस L1 आ जाएगा. F1 हमारे पास 200 गिवन थी, L1 हमारे पास 0.1 थी और फोर्स 150 है, तो यहाँ से हम L2 को फाइंड कर लेंगे. ये मल्टीप्लाई होके 20 आ गया और ये 150 जो है ना इस 20 के डिनोमिनेटर में आके डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, L2 के आ गया 20 मल्टीपल डिवाइडेड बाय 150, तो ये आ जाएगा 0.133. तो लूज करने के लिए जो हमारे पास स्पैनर की जो आ रही है वो क्या आ रही है 0.113 मीटर. अच्छा, अभी मीटर में है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. क्यों? क्योंकि जो पहली हमारे पास लेंथ थी ना वो भी किस में गिवन थी, सेंटीमीटर में, ठीक है. तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो लेंथ टू हमारे पास क्या आ जाएगी स्पैनर की 13.3 सेंटीमीटर में, ठीक है. Our last numerical problem is 4.10. A block of mass of 10 kg is suspended at a distance of 20 cm from the center of a uniform bar that is 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the बार, यानी एक जो ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है और उसको हमने सस्पेंड किया दैट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सम यूनिफॉर्म बार, तो फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी उसको बैलेंस करने के लिए फ्रॉम इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, फ्रॉम अनदर एंड ऑफ दैट बार. तो मास ऑफ द ब्लॉक हमारे पास आ रहा है 10 kg और लेंथ हमें गिवन है 1 meter, ठीक है, और मोमेंट आर्म जो है फिर हम वो फाइंड कर लेंगे, तो वो आ जाएगी 20 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम उसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है. इसी तरह से इसको मीटर में किया तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया. अब फोर्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस द बार इज जो सेकंड फोर्स है F2, वो हमने फाइंड आउट करनी है. तो अभी हमने पढ़ा के जो हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको किसके इक्वल कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर, ये बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है. वो क्या होता है कि एक जो टॉर्क है उसको दूसरे टॉर्क के इक्वल कर दिया, यानी कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको हम इक्वल कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के. तो ये टॉर्क में जो है ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, ठीक है. तो इसमें फोर्स जो सी एफ फोर्स ये हमारे पास आ जाएगी mg, ठीक है, और ये वाली जो सी हमने फाइंड करनी है, लेंथ हमें दोनों गिवन है. तो अब सिंपल आप वैल्यूज पुट करें, तो मास हमें गिवन है 10, ठीक है, जी की वैल्यू हमें पता है 10 है, लेंथ हमें ऊपर डेटा में गिवन है दैट इज 0.2 और ये वाली लेंथ भी 0.5 गिवन है सेकंड लेंथ. हमने इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में और ये जो 0.5 है यहाँ पर इसको हम 20 के नीचे यहाँ पे ला के डिवाइड कर देंगे तो ये सेकंड फोर्स आ जाएगी. सो 200 डिवाइडेड बाय 5 इज 40 न्यूटन, तो 40 न्यूटन जो है वो हमारा आंसर है.